मतलब बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको एक बार टर्न करने के लिए। जावा ऐसा मत क्या करो यार। अरे 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 यहाँ अभी पानी नहीं है। कैसे देखो बाइक को भगा रहा है। अपन का डर लग रहा है राइडिंग गियर पहनते हुए भी, और तुम बिना राइडिंग गियर के यार इतना तेजी से भगा रहे हो बाइक। कैसे हैं आप सब? दिस इज योर फ्रेश वाला ब्लॉग। सो वी आर नाउ रेमोना। तो भाई लोग आज का जो ये ब्लॉग है ना, मैं बनाना नहीं चाहता था ये वाले ब्लॉग को, और फिलहाल मैं इसको इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि कुछ हादसा हो गया हमारे साथ, जिसको मैंने सोचा कि ऐड करना चाहिए ब्लॉग में। तो जैसे ही मेरे पास था सब कुछ ब्लॉगिंग सेटअप, तो सोचा चलो बना लेते हैं ब्लॉग। फिलहाल गए हम एक कैजुअल राइड कर रहे थे, एक वीकेंड राइड जैसा, क्योंकि सैटरडे है। तो दो बाइक लेके हम निकल पड़े थे राइड करने के लिए। 50-60 किलोमीटर के अंदर एक छोटा सा राइड करने वाले थे हम। देखो सामने वो कितना तेज़ी से बाइक भगा रहा है। अब ये भी उसका ही हाल हुआ था, जो हादसा हुआ था उसके बाइक के साथ हुआ था। थोड़ा सा हम भी खींचते हैं बाइक को अभी। अरे अरे अरे, तो भाई ये जो रूट है अभी हम जा रहे हैं, एक ब्लू लेक करके जगह है। ब्लू लेक मतलब वो वाला नहीं जिसको मैं लास्ट ब्लॉग में एक्सप्लोर किया था, वो वाला ब्लू लेक नहीं, ये एक नया वाला ब्लू लेक है। इसीलिए गए जिसका नेम जो है ना गाइस रखा गया है न्यू ब्लू लेक। और आप लोग ये नज़ारा देखो, और वो कैसे देखो बाइक को भगा रहा है। और भाई देवपुर भैया, आप इतना तेज़ी से बाइक को मत भगाओ, फिर से कहीं आपका वो पीछे वाला जो ब्रेक पैड है, जो डिस्क ब्रेक है, वो ना लग जाए अपने आप। वैसे हुआ था गाइज ये एक हादसा, जब हम घर से आ रहे थे ना गाइज, कुछ दूरी आने के बाद उसका जो पीछे वाला टायर है, पीछे वाला जो व्हील है, वो लॉक हो गया है ABS से। अब यार देखो कैसे कट मार रहा है भाई। इतना तेज़ से मत भगाओ, अपन का डर लग रहा है राइडिंग गियर पहनते हुए भी, और तुम बिना राइडिंग गियर के यार इतना तेज़ी से भगा रहे हो बाइक। खैर कोई ना, सामने से देखो पहाड़ अभी देखना शुरू हो गया है। वो सोच रहा है कि भाई ये कहाँ रह गया अपने हाथी के साथ। जी हाँ गाइस, अपना हाथी बहुत धीरे चलता है, और उसका जावा जो है ना भाई, वो घोड़ा जैसे तेज दौड़ता है, तो उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हादसा, चलो बात करते हैं क्या हादसा हुआ था। तो उसका जो पीछे वाला जो हुआ है ना टायर, वो लॉक हो गया था जैसे कि मैं बताया। तो वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें हेल्प लेना पड़ा, जो जावा रोड साइड वीडियो कॉल असिस्टेंस। तो हमने वीडियो कॉल से बात की उन लोगों से, और वो तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था, और उसको अपने आप ही सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। सो हमें थोड़ा सा वीडियो कॉल का रेफरेंस लेना पड़ा। तो ठीक है, और अभी आप लेफ्ट साइड में देखने वाले हो इमामी जगन्नाथ टेम्पल, और थोड़ा आगे जाने के बाद आएगा। लेकिन आज जो है राइड हो रहा है न्यू ब्लू लेक को। तो जैसे भी करके हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ा, उसकी गाड़ी का जो ब्रेक पैड है उसको थोड़ा सा जोर देते हुए नीचे दबाना पड़ा, और धीरे धीरे करके जो पीछे वाला व्हील है उसको हाथ में रोटेट करना पड़ा, उसके बाद ही अपने आप सही हो गया। लेकिन ये प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए गाइस, क्योंकि कभी कभी हम लोग काफ़ी तेज़ी से बाइक को भगाते हैं, और उस वक्त अगर अपने आप ये लॉक हो जाएगा डिस्पेयर, तो भाई समझो क्या होगा हालत। तो अभी आप देखने जा रहे हो लेफ्ट साइड में है इमामी जगन्नाथ टेम्पल। वाओ, दिस इज डैम कूल। अगर आप चाहते हो कि गाइस एक ब्लॉग इसके ऊपर भी हो जाए क्या, मतलब हो के रहा है मेरे चैनल पे, अगर आप चाहते हो कि एक ब्लॉग देखे ये वाला टेम्पल के बारे में, सो गाइस यू कैन चेक इट आउट इन माय चैनल। चलो थोड़ा सा अभी बाइक भगाते हैं।
अरे, so much fun we have getting here. आगे देखो, मुझे पहाड़ यहाँ से दिखना शुरू हो गया है और एक बढ़िया सा राइड पे हमें फील हो रहा है अभी. लास्ट वाले ब्लॉग में गाइस, जो जब हम यहाँ पे आए थे तो गाइस यहाँ पे मैं रुका हुआ था थोड़ा, यहाँ का जो सीनिक व्यू है उसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब ना करेंगे वो वाला चीज़. ओह माय गॉड, एक्चुअली गाइस मुझे रूट का पता नहीं है, इसको जो सामने जा रहा है दीपुन उसको पता है जो जावा 42 में है, तो हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि उसे सामने जाने दें ताकि हम उसको फॉलो करके जा सकें. और गाइस आज का जो ब्लॉग होगा ना गाइस, वो जगह को कम हम एक्सप्लोर करेंगे, हाँ आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे. और गाइस जो मेन मुद्दा था, जैसे कि मैं सबसे पहले बात कर रहा था कि हमें आज ब्लॉग बनाना नहीं था, बस चिल करना था, हमें घूमना था और कुछ फ़ोटोज़ और रील्स निकालना था, तो बस वही करना आया था. लेकिन अभी जैसे कि मैंने ब्लॉग का शुरुआत कर लिया है तो भाई थोड़ा सा फुटेजेस भी डाल लेंगे वो वाला प्लेस का, ड्रोन सब कुछ, तो बस आपको आज उतना ही सिर्फ देखना मिलेगा ब्लॉग में और कुछ नहीं. और अभी देखो राइट साइड में आएगा FM यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ा है. और एक हादसा हमारे साथ अभी हो चुका है, ये देखो कैसे हिल रहा है ये जो मेरा मीटर कंसोल. इसको अभी परमानेंट सोल्यूशन तो इसके लिए अभी हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे शोरूम जाना पड़ेगा, इसका जो पार्ट्स है उसको ख़रीदना पड़ेगा. लेकिन गाइज अभी हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो है कि गाइज इपॉक्सी जो होता है M-Seal उसका यूज़ करके इसको हम फिक्स कर सकते हैं. चलो आज के बाद एक प्रॉब्लम गाड़ी में आता हुआ. पता नहीं आगे जाके और कितना कितना प्रॉब्लम हमें फिर से झेलना पड़ेगा. यही जगह है, हाँ इसका सीन कुछ अच्छा बना हुआ, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे आई डोंट नो. तो आप भीतर को जीवा पाई रास्ता नहीं कि रास्ता नहीं. हाँ आई पड़ जाए हो तो वा अच्छी 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 आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, भुवनेश्वर में एक ऐसा स्पॉट था जिसका नाम था निजीगढ़ तपंग, वो एक दिन भुवनेश्वर का हॉटस्पॉट बना हुआ था. और ये जो स्पॉट है गाइस ऐसा ही कुछ है, लेकिन अरे 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 यहाँ अभी पानी नहीं है. जगह मस्त है लेकिन पानी नहीं है फिलहाल. तुरक भी गाड़ी जाए पर देखो जी बा M-Seal. तो भाई लोग ये वाला जगह इतना अच्छा नहीं लगा, जैसा लग रहा था ना फोटो में देख के वैसा कुछ नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो ये वाला प्लेस सही है. अभी थोड़ा इसके अंदर पानी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, बस समर सीजन है तो सब खाली खाली सूखा सूखा. तो चलो जो पुराने वाला ब्लू लेक था वहाँ पर चलते हैं, वहाँ थोड़ा फ़ोटोशूट करवाएँगे फिर लौटेंगे घर. और यहाँ ये जो सिचुएशन है मेरा मीटर कंसोल का उसको भी सही करवाएँगे. यहाँ का रोड देखो, सीन देखो, व्यू देखो. हम लोग राइड कर रहे हैं, आप लोग इसका आनंद जितना हो सके उतना लो. कोई परवाह नहीं गाइस, आज है जिंदगी काल नहीं होगा. एक बार मिला है भरपूर लाभ उठा उसका. अभी देखो रूट, बड़ा सुंदर सा रूट है.
यहाँ पे लिखा हुआ है बोईचा 10 किलोमीटर उदोड़ा 26 किलोमीटर। तो अभी जो आएगा वो होगा ब्लू लेक मित्रापुर, वही यही है अपना ब्लू लेक। आप एक बार इसका व्यू देखो, वाओ कैसा लग रहा है भाई। लोग आप लोग बताओ हमें। सो द सीन इज अप टू द मार्क। फ्राइडे हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं। अभी जो है हम इमामी जगन्नाथ टेम्पल के पास में हैं और बस आज का राइड इतना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए कि गाइस जो सब हम सोच रहे थे वो सब नहीं हो पाया। चलो तो अभी थोड़ा यहाँ पे रुकने का प्लान बना, तो थोड़ा सा मंदिर दर्शन यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब जाके राइड थोड़ा सा कंप्लीट लग रहा है थोड़ा सा। राइडिंग अभी अच्छा लगा, फिर जब तक यहाँ पे हम लोगों ने भगवान का दर्शन नहीं किए थे तब तक ये जगह अच्छा नहीं लग रहा था, ये राइड अच्छा नहीं लग रहा था। चलो फिलहाल हम थोड़ा यहाँ पर लस्सी पियेंगे, लस्सी लस्सी।